आईपीआर का 4 यूनिट है हमारा, जिसमें हम लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को पढ़ना है। इस यूनिट में हमें देखना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है, पेटेंट्स क्या होते हैं, डिज़ाइन क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है एंड कॉपीराइट क्या होता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है इज़ अ क्रिएशन ऑफ माइंड, दे आर इंटेंजिबल एसेट्स फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट आर ग्रांटेड बाई द लॉ। दीज एसेट इंक्लूड द आर्टिस्टिक वर्क, पोएम, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, डिजाइन, फ्रेजेस, सिम्बल्स ETC। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ग्रांटेड सिमिलर प्रोटेक्टिव राइट्स एज दोज ग्रांटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, किसी भी इंसान के दिमाग के द्वारा बनाई हुई कोई चीज़ जिस पे हम लोग जो है अपना राइट लेते हैं। ये जो होते हैं इंटेंजिबल एसेट होते हैं, मतलब जिनको हम लोग छू नहीं सकते, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारे, जिन पे जो है हमें राइट्स मिलते हैं। एंड वो राइट्स जो होते हैं उन पे कुछ लॉ लगाए जाते हैं, जैसे कि कुछ लॉ होंगे, कुछ रूल्स होंगे जो हम लोगों को राइट प्रोवाइड करते हैं। इनमें जो है कुछ आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, जैसे आपने अपने माइंड का यूज़ करके कोई एक नया पोयम बनाया, कोई नई डिस्कवरी की, इन्वेंशन किया, डिज़ाइन कोई नई बनाई आपने, कोई अपने एक स्पेसिफिक फ्रेज को बनाया, कोई सिंबल्स को डिज़ाइन किया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिस्टिक वर्क हैं जिन पे आपको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव राइट होता है, क्योंकि ये आप जो चीज़ अपने दिमाग का प्रयोग करके बनाएंगे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि कोई दूसरा इंसान आपके काम को चुरा ना सके। ये जो है प्रोटेक्टिव राइट होता है जो फिज़िकल प्रॉपर्टी पर हमें एक अधिकार प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अफोर्ड्स द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव राइट टू क्रिएट, यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ये ओनर को राइट प्रोवाइड करता है कि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने काम को बचा सकें, उनको बेच सकें। अगर वो किसी को अपने राइट या फिर अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको किसी को सेल कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उससे पैसा ले सकते हैं और अपने काम को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू अर्न द मनी। फिर ओनर्स आर ग्रांटेड अ टेम्प्रोरी मोनोपोली ऑन द आइडिया एंड विद द एक्सेप्शंस ऑफ द ट्रेड सीक्रेट्स ओनर डिस्क्लोज देयर प्रोसेस एंड और ओरिजिनल वर्क्स टू द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। जो ओनर होता है वो अपना जो ओरिजिनल काम होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, और उनके पास जो ओनर है अपना जो काम बनाया है या फिर कोई भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है जो कि एकदम नया है, तो उसको जो है सेफली अपने लिए उस पे उसका ये अधिकार होगा, ये राइट उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। फिर इसके बाद है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड इन द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 एंड द बर्नी कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक वर्क 1886। सो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कॉन्सेप्ट जो है पेरिस कन्वेंशन में आया था, जहाँ पे राइट प्रोवाइड किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो कि 1883 में आया था। एंड जो बर्नी कन्वेंशन आया था वो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के प्रोटेक्शन के लिए आया था, जो कि 1886 में आया था। ये दोनों ट्रीटीज़ जो हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाई गई थी। तो मेन पॉइंट ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है ह्यूमन के माइंड का क्रिएशन होता है। इस राइट के थ्रू ओनर को ये अधिकार रहता है कि वो अपने काम को अपने तक रख सकता है या फिर उसको बेच सकता है पैसे कमाने के लिए,
और इसमें बहुत सारे आर्टिस्टिक वर्क आ जाएंगे, जैसे आप अपना म्यूज़िक बना रहे हो, अपना कुछ नई डिस्कवरी कर रहे हो, इन्वेंशन कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों पे आपको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो रिकॉग्निशन था वो पेरिस कन्वेंशन में आया था, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड किया गया था फॉर द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में, एंड सेकंड जो था हमारा बर्नी कन्वेंशन हुआ था 1886 में, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था फॉर द लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक वर्क, और इन दोनों को एडमिनिस्टर्ड किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा, इन दोनों को एडमिनिस्टर किया गया था। लेट्स गो अहेड विथ फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो देयर कैन बी वेरियस काइंड ऑफ इनोवेशन बेस्ड ऑन रिसर्च आइडियाज एंड द थॉट्स, ग्राफिक्स डिज़ाइन एंड द वे ऑफ राइटिंग ऑफ अ लोगो एंड मेनी मोर। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ IPR कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू मेजर कैटेगरी। सो इनोवेशन, रिसर्च आइडिया, जो नई नई चीज़ें होती हैं, इनके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। तो हम लोग जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर इसकी दो कैटेगरी होती हैं। पहला होता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड दूसरा होता है नॉन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में हमारी चार चीज़ें आती हैं, मतलब चार टाइप होती हैं। पहला होता है हमारा पेटेंट, फिर डिज़ाइन, फिर ट्रेडमार्क एंड देन जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और नॉन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में हमारा जो है कॉपीराइट आता है। सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नाउ वी हैव सीन, हम लोगों ने देख लिया है कि कितनी कैटेगरी होती हैं IPR की। लेट्स मूव अहेड विद द कॉपीराइट। सो कॉपीराइट इज़ अ मोनोपोली राइट रिस्ट्रेनिंग अदर्स फ्रॉम एक्साइजिंग दैट राइट विच हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। सो कॉपीराइट जो होता है ये एक मोनोपोली, मतलब सिर्फ एक लोगों का अधिकार उस पर होता है, इस टाइप का राइट होता है जिसमें जो ओनर होता है सिर्फ अपने प्रोडक्ट को वही उसके पास ही राइट होता है कि वो कैसे यूज़ करना चाहता है, उस पर कोई दूसरे इंसान का अधिकार नहीं होता है। और ये जो होता है एक निगेटिव राइट होता है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा जो है प्रोहिबिटरी इन नेचर का होता है। लाइक समवन हैज़ कॉपी राइट ऑन दियर वर्क, सो नो बडी इज़ अलाउड टू कॉपी दियर वर्क। लाइक अगर आपने कोई वीडियो या फिर कोई कंटेंट बनाया है तो उसका जो है कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है, और उसको ना ही आपके सेम काम को वो जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इस वजह से ये जो है निगेटिव राइट कहलाता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है कॉपीराइट का, ये होता है कि ये इनकरेज करता है ऑथर्स जो होते हैं, कंपोजर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, इनको इनकरेज करता है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल वर्क को करें, और उनको जो है एक राइट प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ताकि वो उस काम को करें, और उस काम को वो जो है करने के बाद उन राइट उनको मिलेगी, देन वो जो है उसको बेच करके पब्लिक को पैसे अर्न कर सकते हैं। कॉपीराइट का एक सीधा सा एग्जांपल देखें तो आप लोग यूट्यूब चैनल जानते ही होंगे, अगर उस पर आप अपना एक वीडियो क्रिएट करते हैं और अपनी तरीके से ही, और उस वीडियो को आप अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, अगर आपके व्यूज़ अच्छे खासे आ गए देन यू कैन अर्न द मनी बाय योर वीडियोज़। और अगर आपका वीडियो कोई दूसरा इंसान जो है उसको डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करता है, देन आप जो है उनके वीडियो पर कॉपीराइट दे सकते हो, और उस वीडियो का जितना भी मनी होगा वो आपके अकाउंट में आएगा। सो ये जो है कॉपीराइट का बेस्ट एग्जांपल है। फिर उसके बाद है हमारा कॉपीराइट इज़ नॉट अ सिंगल राइट, इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट इन द सेम वर्क। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ अ लिटरेरी वर्क, कॉपीराइट कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्रिंट मीडिया, द राइट ऑफ द ड्रामेटिक एंड द सिनेमेटोग्राफिक वर्जन, द राइट ऑफ द ट्रांसलेशन, एडाप्टेशन, एब्रिजमेंट एंड द राइट ऑफ द पब्लिक परफॉर्मेंस।
सो कॉपीराइट एक सिंगल राइट नहीं है, इसमें बहुत सारे राइट्स आते हैं, बंडल ऑफ राइट्स होते हैं एक सेम काम में। जैसे अगर देखें कोई लिटरेरी वर्क ही ले लेते हैं, लाइक कोई न्यूज़पेपर ले लेते हैं, तो उसमें जो है प्रिंट मीडिया का काम होता है, तो उनको भी राइट चाहिए होता है प्रिंट मीडिया को प्रिंट करने के लिए। फिर ड्रामेटिक एंड सिनेमेटोग्राफिक वर्जन के लिए राइट चाहिए होता है, ट्रांसलेशन के लिए राइट चाहिए होता है, एडाप्टेशन के लिए, अब्रिजमेंट के लिए, एंड द राइट ऑफ द पब्लिक परफॉर्मेंस। सो इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट। इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द कॉम्प्रिहेंसिव कॉपीराइट लॉ बेस्ड ऑन द इंडिया कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड अमेंडेड सेवरल टाइम 1981, 1984, 1992, 1999 एंड 2000। द इंडियन कॉपीराइट एक्ट इज़ वैलिड ओनली विद इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडियन वर्क इन द फॉरेन कंट्री, इंडिया हैज़ बिकम मेंबर ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द कॉपीराइट। सो इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास जो है एक कॉपीराइट लॉ है जिसको बोलते हैं इंडिया कॉपीराइट एक्ट, जो कि 1957 में बना था। इसमें बहुत बार सुधार किए गए हैं, जैसे इसमें बहुत बार अमेंडमेंट किए गए हैं। पहला अमेंडमेंट जो है 1981 में किया गया था, दूसरा 1984 में, तीसरा 1992 में, और चौथा 1999 में, और पाँचवा जो है हमारा 2000 में किया गया था। जो इंडिया का कॉपीराइट एक्ट है ये सिर्फ वैलिड है इंडिया की कंट्री में ही, मतलब आउटसाइड इंडिया इंडिया कॉपीराइट एक्ट जो है वैलिड नहीं है या फिर उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसी इंडियन वर्क को फॉरेन कंट्री में कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए इंडिया जो है बहुत सारी इंटरनेशनल कन्वेंशन के मेंबर बना हुआ है। इंडियंस जो हैं जो अपना काम, मतलब इंडियंस के जो वर्क होते हैं, अगर उनको हमें राइट प्रोवाइड करना है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो इसके लिए इंडिया जो है बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉपीराइट के मेंबर बना हुआ है। जैसे कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉपीराइट हैं जिसका इंडिया जो है मेंबर है, तो पहला है हमारा
बर्नी कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक वर्क, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन है कॉपीराइट के लिए। फिर दूसरा है हमारा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। तीसरा है हमारा मल्टीलेटरल कन्वेंशन फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन ऑफ द कॉपीराइट रॉयल्टीज़। एंड देन हमारा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम लोग जो है ट्रिप्स एग्रीमेंट कहते हैं। सो ये चार जो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिसका इंडिया जो है मेंबर है, जिसकी वजह से इंडिया का जो वर्क है वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी प्रोटेक्ट हो पाए। इसके बाद है हमारा इंडियन कॉपीराइट एक्ट प्रोटेक्ट्स फॉलोइंग वर्क ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। सो इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है किस किस चीज़ों के लिए या फिर किस किस कामों के लिए हमें जो है राइट प्रोवाइड करता है, तो पहला है हमारा लिटरेरी वर्क। इसमें हमारा कोई नया पोयम आपने बनाया हो, कोई नॉवल आपने लिखा हो, या फिर कोई पब्लिश्ड आर्टिकल है आपका जो स्पेसिफिक है, तो इन सारी चीज़ों पे जो है आपको राइट प्रोवाइड करता है कॉपीराइट एक्ट। एंड देन जो है हमारा दूसरा जो है वो है आर्टिस्टिक वर्क। इसमें जैसे आप कोई ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हो, कार्टून्स बना रहे हो, या फिर कार्टून्स को क्रिएट कर रहे हो, चार्ट्स बना रहे हो, फोटोग्राफ्स बना रहे हो, सिनेमेटोग्राफी आप कर रहे हो, सो इन सारी चीज़ों पे भी आपको जो है कॉपी राइट मिलता है आपके काम के लिए। एंड देन जो है हमारा ड्रामेटिक वर्क है। ड्रामेटिक वर्क में रिसाइटेशन है, प्ले है, एक्टिंग है, कोरियोग्राफिक वर्क है। फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम पे भी आपको कॉपीराइट मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चनेयर फॉर द डेटा कलेक्शन। एंड दी सेवेंथ वन इज़ दी रिसर्च थीसिस एंड द डिसर्टेशन। सो बेसिकली ऑल दीज आर द एरिया वेयर द कॉपीराइट एक्ट प्रोवाइड द राइट टू द ह्यूमन इंटेलिलेक्ट। नाउ फॉलोइंग राइट्स आर कॉन्फर्ड टू द कॉपीराइट होल्डर। सो राइट टू स्टॉप अदर फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द वर्क ऑफ ऑथर विदाउट हिज कॉन्सेंट। सेकेंड इज मोरल राइट, राइट ऑफ पब्लिकेशन, राइट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, टू प्रिवेंट द अल्टरनेशन और द चेंजेस। सो ये राइट जो है कॉपीराइट होल्डर को कौन कौन सी राइट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें पहला ये है कि ये राइट प्रोवाइड करता है कि कोई दूसरा जो है उसके काम को कॉपी ना कर पाए जब तक वो इंसान नहीं चाहता हो। लाइक अगर मैं किसी चीज़ की ओनर हूँ और मुझे उस चीज़ की कॉपीराइट मिली हुई है, मैं कॉपीराइट होल्डर हूँ, तो जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक मेरे प्रोडक्ट या फिर मेरे वर्क को कोई दूसरा जो है चेंज नहीं कर सकता। तो ये है हमारा पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है हमारा मोरल राइट, लाइक राइट ऑफ पब्लिकेशन, राइट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी। सो ये सारे राइट भी जो है ओनर को प्रोवाइड होते हैं ताकि कोई दूसरा इंसान जो है उसके काम को अल्टर ना कर सके, बदल ना सके, ना ही उसके काम को पब्लिश करके खुद को पैसा अर्न करे। सो ये सारी राइट्स जो हैं कॉपीराइट एक्ट जो है प्रोवाइड करता है कॉपीराइट होल्डर को। फिर है हमारा एक्सक्लूजन ऑफ द कॉपीराइट। सो कॉपीराइट कहाँ कहाँ पे नहीं मिलता है बेसिकली। सो पहला है हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट पे आपको कोई कॉपीराइट नहीं मिल सकता। कॉपीराइट डज नॉट प्रोटेक्ट द टाइटल्स, नेम, शॉर्ट वर्ड कॉम्बिनेशंस, लोगल्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सो कॉपीराइट जो है टाइटल्स, नेम, शॉर्ट वर्ड कॉम्बिनेशंस, लोगन्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे जो है इनको प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करता है। कॉपीराइट डज नॉट प्रोटेक्ट द आइडियाज़ और द कॉन्सेप्ट रिपोर्टिंग द करेंट इवेंट्स। सो कॉपीराइट जो है आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करता है, या फिर जो चीज़ें करेंट टाइम में चल रही हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करता है। नाउ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सो कॉपीराइट ओनर्स हैव द राइट टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन ऑफ दियर वर्क, including right to receive payments for the reproduction. So copyright infringement क्या है? Copyright owner को अधिकार होता है कि वो अपने काम को reproduce करने से मना कर पाए, stop कर पाए, लोग जो है उसके काम को copy ना कर पाए, और अगर वो किसी को allow करता है कि वो उसके काम को copy करके
कुछ रिप्रोड्यूस कर सकता है तो देन वो जो है उसके लिए पैसे डिमांड कर सकते हैं और उसको पैसे मिलते भी हैं। एंड मूविंग अहेड, मूविंग अहेड विद द अनदर पॉइंट, एन ऑथर हैज़ पावर टू ग्रांट और सेल राइट्स टू अदर लाइक पब्लिशर्स और रिकॉर्डिंग कंपनीज वाइल इलीगली यूजिंग द कॉपिंग इज कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का आखिर मतलब क्या होता है? अगर आपके काम को, लेट सपोज मैंने कोई काम किया है, कोई मैंने नई डिस्कवरी की है और मेरी डिस्कवरी को ये मेरी डिस्कवरी है एंड इधर से अगर कोई दूसरा पर्सन जो है आता है इस काम को कॉपी करके वो इस काम को रिप्रोड्यूस करता है मार्केट में या फिर कहीं भी इसको पब्लिश करता है और इससे जो है वो जो है पैसे कमाने का काम करता है, देन ये मेरे काम को चोरी करके पैसे कमा रहा है तो इसको हम लोग जो है इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट। सो ऑथर के पास पावर होती है कि वो कोई दूसरा, लाइक कोई बड़ी कंपनी है उसमें आप अपने काम को बेच रहे हो, आप उससे तब आपको जो है पैसे मिलते हैं, लेकिन आपके कंसेंट के बिना वो कंपनी भी आपके जो है काम को यूज़ नहीं कर सकती है। सो एनी पर्सन हु नोइंगली इन्फ्रिंजर्स और अबेट्स द इन्फ्रिंजमेंट इन एनी वर्क कमिट्स क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। अगर कोई भी पर्सन जानबूझ के आपके काम को जो है कॉपी करता है तो उस पर्सन को क्रिमिनल ऑफेंस के तहत जो है सेक्शन 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट के उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी। अगर कोई भी पर्सन जानबूझ के आपके काम को कॉपी कर रहा है तो उसको जो है सेक्शन 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट के तहत जो है उसे सज़ा मिलेगी। मिनिमम पनिशमेंट फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर द 6 months एंड विथ मिनिमम फाइन ऑफ ₹50,000। सो जो सबसे कम, अगर आप जानबूझ करके किसी के काम को कॉपी कर रहे हो तो उसमें सबसे कम सज़ा जो होती है एक इंसान को जो मिलती है वो 6 महीने की जेल होती है। 6 महीने की आपको जेल मिलेगी और उसमें आपको जो है 50,000 फाइन भी पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉपीराइट। लेट्स मूव अहेड विद द ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जो होता है एक विजुअल सिंबल होता है जो कि एक शब्द हो सकता है, एक नाम हो सकता है, एक लेबल हो सकता है जो कि एक बिजनेस जो है यूज़ करता है। सो व्हाट बेसिकली द ट्रेडमार्क इज़, सो ट्रेडमार्क इज़ अ विजुअल सिंबल या फिर कोई एक वर्ड हो सकता है लाइक माइक्रोसॉफ्ट ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं। सो बेसिकली ट्रेडमार्क जो होता है एक नाम होता है, एक लेबल होता है जो कि एक बिजनेस अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ करता है ताकि उसकी वजह से उसके गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी जगहों से डिफरेंशिएट करा जा सके। सो एक बिजनेस जो है ट्रेडमार्क का यूज़ करता है ताकि उसके बिजनेस को एक आइडेंटिटी मिले इन द फॉर्म ऑफ एनी वर्ड, नेम और द लेबल। In India, registration done by the Controller General of the Patent Design and the Trademark Ministry of the Commerce and the Industry Government of India. So, अगर आपको ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क से आप करवा सकते हैं जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है देन आपको जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड द ट्रेडमार्क के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्टर ट्रेडमार्क इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स और द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर अ बिजनेस एंड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द ब्रांड और द सिंबल। सो ट्रेडमार्क अगर आपको मिला हुआ है, रजिस्टर्ड है, तो देन आपको जो है एक सिंबल मिलेगा आपके बिजनेस के लिए जो कि कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है। Proposed trademark that are similar or identical to an existing registered trademark cannot be registered. अगर आप किसी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहते हैं
लेकिन जो आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं उसकी जैसा सेम ट्रेडमार्क मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है, देन आपको उस पर जो है ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। एंड देन है हमारा टर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का टर्म होता है वो 10 साल होता है, एंड ये जो होता है रिन्यूएबल होता है। और रजिस्टर्ड जो सर्विस मार्क जो होता है वो 17 ईयर्स के लिए होता है, एंड ये भी जो होता है रिन्यूएबल होता है। नाउ फीचर ऑफ द ट्रेडमार्क, सो इट शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस एंड रिमेंबर, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी प्रेफरेबली एंड इन्वेंटेड वर्ड। सो ट्रेडमार्क जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जिसको प्रोनाउंस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो और याद किया जा सके, छोटा होना चाहिए, एंड ये जो होता जो होना चाहिए एक इन्वेंटेड वर्ड होना चाहिए, लाइक समथिंग न्यू होना चाहिए। नाउ बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेडमार्क, सो ट्रेडमार्क जो होता है बिजनेस और कंज्यूमर के दोनों के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। पहला होता है इसमें कि ये जो ओनर होता है उसको एक राइट प्रोवाइड करता है उसके ब्रांड के लिए। ये जो होता है बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कोई ब्रांडेड ट्रेडमार्क है, लाइक कोई बिजनेस है, अगर उसका ट्रेडमार्क वर्ल्ड वाइड फेमस है, देन उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हर किसी को पता होंगे, तो ट्रेडमार्क के थ्रू उसके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ट्रेडमार्क जो है प्रोटेक्ट करता है नेम, ब्रांड नेम फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन द सेम और द सिमिलर फैशन एंड बाय एनी अदर बिजनेस फर्म, दस डिस्करेज अदर फ्रॉम केसिंग ऑन योर लॉन्ग बिल्ट गुडविल, गिव्स योर प्रोडक्ट और स्टेटस ऑफ द ब्रांडेड गुड्स, अवॉइड बैड बाइंग एक्सपीरियंस बाई अवॉइडिंग द ब्रांड्स दे डिडंट लाइक। सो ट्रेडमार्क के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपके ट्रेडमार्क को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है, आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होगी, आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उनको ब्रांडेड गुड्स में कंसिडर किया जाएगा। टू ऑब्टेन लीगल रिलीफ इन द रिस्पेक्ट ऑफ द इंफ्रिंजमेंट मिसयूज बाय अदर ऑफ द ट्रेडमार्क, आपको जो है अगर कोई दूसरा आपके ट्रेडमार्क को कॉपी कर रहा है, देन आप जो है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट लगा के आप उसको जो है बैन करवा सकते हैं या फिर उससे फाइन चार्जेस कर सकते हैं। पावर टू असाइन द ट्रेडमार्क टू अदर फॉर द कंसिडरेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडमार्क किसी दूसरे पर्सन को मिले, देन यू कैन प्रोवाइड योर ट्रेडमार्क टू द अदर पर्सन बाई योर कंसेंट ओनली। नाउ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस, ये दो केस हुए थे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए। सो फर्स्ट केस था कलर कॉम्बिनेशन एज ट्रेडमार्क कॉलगेट पाल्मोलिव कंपनी वर्सेस एंकर हेल्थ एंड दी ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड, द कोर्ट स्टॉप द डिफेंडेंट फ्रॉम यूजिंग द रेड एंड द वाइट इन इट्स पैकेजिंग एंड ट्रेडिंग एज द प्लेंटिफ हैड प्रॉपर्टरी राइट ओवर द कॉम्बिनेशन व्हेन यूज्ड फॉर द टूथपेस्ट। एंड सेकेंड केस वॉज अ ट्रेडमार्क इन फिल्म टाइटल सोले मीडिया इंटरटेनमेंट वर्सेज पराग सानवी सीएस, दिस केस कंसर्न्ड अ रीमेक ऑफ द इंडियन फिल्म सोले, द डिफेंडेंट वॉज रिस्ट्रेंड फ्रॉम द इन्फ्रिंजिंग द प्लेंटिफ्स कॉपीराइट एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन द टाइटल ऑफ द फिल्म सोले एंड इट्स की कैरेक्टर गब्बर सिंह एंड एनी अदर डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क्स और द नेम। नाउ मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज़ बेसिकली अ नोटिस स्टेटिंग दैट अ गिवन प्रोडक्ट ओरिजिनेट्स इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, एंड एपिलेशन ऑफ ओरिजिन इज़ अ मोर प्रिसाइज फॉर्म ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेटर विच स्पेसिफाइज दैट द प्रोडक्ट हैज़ क्वालिटीज दैट आर डिराइव्ड स्पेसिफिकली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ मेड इन अ पर्टिकुलर रीजन। सो जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है एक नोटिस होता है जो कि स्टेट करता है कि ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विस जो है किसी पर्टिकुलर रीजन में ही ओरिजिनेट की है, और इसके थ्रू क्या होता है, लाइक अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे कोई चीज़ जो है प्रोड्यूस होती है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लाइक उस एरिया में ही सिर्फ होती है वो स्पेसिफिक चीज़, तो उसको जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है ताकि वो चीज़ जो है पूरी दुनिया में पूरे देश में फैल सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे।
फॉर एग्ज़ाम्पल रसोगुल्ला, जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहाँ पे रसोगुल्ला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो रसोगुल्ला का उत्पादन जो है, या फिर रसोगुल्ला जो है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही बनता है। और तेजपुर लीची जो होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइप की लीची है जो कि आसाम में ही प्रोड्यूस होती है। सो इन सारी चीज़ों पे जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला। इफ़ आई टॉक अबाउट दी वाराणसी, सो वाराणसी में जो पान है इसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। एंड बनारसी साड़ी ऑल्सो हैव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सो किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस होती है, तो उस चीज़ को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो ये एक बेसिकली इंडिकेशन होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। ये जो है एक डेफिनेट एरिया में ही ओरिजिनेट करता है। इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। इसका यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चरल नेचुरल और द मैन्युफैक्चर गुड्स। द मैन्युफैक्चर गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड और प्रिपेयर्ड इन दैट एरिया। इट शुड हैव अ स्पेशल क्वालिटी और द रेपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक। जिस प्रोडक्ट पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी पर्टिकुलर एरिया मिलता है, तो उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो सेम चीज़ में दूसरे एरिया में प्रोड्यूस होती है उसमें ना हो। लाइक आम जो है, अगर आम की बात करें तो आम तो पूरे देश में हर जगह होता है। आम तो वर्ल्ड कंट्री में हर जगह होता है, लेकिन अल्फांसो मैंगो जो है, जो कि बिहार में आई थिंक, उसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है स्पेशल क्वालिटी है। उसका कलर जो है आई थिंक ये कलर में डिफरेंस है, एंड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी नॉर्मल मैंगो से डिफरेंट है। दैट्स वाई उसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। नाउ अब हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं GI के। सो बेनिफिट्स ऑफ GI, इट कन्फर्स द लीगल प्रोटेक्शन। ये जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन बाय अदर्स। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। बूस्ट द एक्सपोर्ट। लाइक अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई अच्छी चीज़, लाइक अल्फांसो मैंगो की मैंने बात की थी, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया था ब्रिटेन में, तो इसकी वजह से इसका एक्सपोर्ट बढ़ता है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये देश की GDP में भी बढ़ाने का काम करता है। कैन सर्व एज सोर्स आइडेंटिफायर फॉर द कंज्यूमर। हेल्प द प्रोड्यूसर डेवलप द कंज्यूमर लॉयल्टी। प्लेज अ रोल इन कंज्यूमर डिसीजन इंक्लूडिंग द विलिंगनेस टू पे अ हायर प्राइस फॉर द रीजनली ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द एग्जाम्पल्स ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सो इंडिया में किन किन चीज़ों पे जो है GI टैग मिला हुआ है? सो बासमती राइस पे मिला हुआ है, मैसूर सिल्क पे मिला हुआ है, मैसूर सैंडलवुड ऑयल पे मिला हुआ है, मैसूर सैंडल सोप पे मिला हुआ है, मैसूर जैस्मिन पे मिला हुआ है, कुर्ग ऑरेंज पे मिला हुआ है, मधुबनी पेंटिंग पे भी मिला हुआ है, दार्जिलिंग टी जो है इस पे सबसे पहले GI टैग जो है दार्जिलिंग टी को ही मिला था, आई थिंक 2003 टू 2004 ईयर में। सो फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन दार्जिलिंग टी को दिया गया था आसाम में। फिर इसके बाद है हमारा धारवाद पेड़ा, फिर अल्फोंजो मैंगो, तिरुपति लड्डू। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो है जो GI टैग मिला हुआ है, कैनेडियन विस्की को मिला है, स्विस वॉचेज, फ्लोरिडा ऑरेंजेज, सैम्पेन, टेक्यूला। सो ये सारे जो हैं गुड्स हैं जिन पर जो है GI टैग मिला हुआ है वर्ल्ड में। नाउ GI टैग इन इंडिया। सो इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स।
रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 एंड हैज़ कम इन टू द फोर्स विथ इफेक्ट फ्राम 15 सितंबर 2003। सो इंडिया जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेम्बर है और जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट है ये जो है 1999 में बना था, लेकिन ये काम करना स्टार्ट किया 15 सितंबर 2003 से। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री विथ ऑल इंडिया ज्यूरिसडिक्शन इन द चेन्नई। सो जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अगर आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी प्रोडक्ट पर चाहिए तो इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो जो है चेन्नई में लोकेटेड। एंड द जी आई टैग इज़ बींग एडमिनिस्टर्ड बाई द कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट डिज़ाइन एंड द ट्रेडमार्क हु इज़ रजिस्ट्रार ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सो अगर आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन में भी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और ऑल ऑफ द गुड्स कंप्राइज इन सच क्लास ऑफ गुड्स एज मे बी क्लासिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द गुड्स as far as possible in accordance with the international classification of goods for the purpose of registration of GI section 8 of the act. So geographical indication act है, इसमें section 8 के हिसाब से अगर geographical indication किसी भी product या फिर goods को दिया जा रहा है तो उसको classify करने का काम जो है registrar का होता है, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट में जो है मेंशन है। फिर इसके बाद है अ सिंगल एप्लीकेशन में बी मेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जीआई फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द गुड्स एंड फी पेएबल इज़ टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास ऑफ द गुड्स इन इंडिया। अ जी आई में इनिशियली भी रजिस्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड इट कैन बी रिन्यूड फ्राम द टाइम टू टाइम फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 64 इंडियन लॉ प्लेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इन दैट अ रजिस्टर्ड इन जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ असाइनमेंट ट्रांसमिशन लाइसेंसिंग प्लेस मॉर्टगेज और एनी सच अदर एग्रीमेंट। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ अबाउट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सो जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर चीज़ का रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस चीज़ को पूरे वर्ल्ड लेवल पर लाने के लिए उसको जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा किया जाता है। सेक्शन 8 ऑफ जीआई टैग एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को जो है क्लासिफाई करें। जीआई टैग जो होता है ये 10 साल के लिए इंडिया में दिया जाता है और आप 10 साल के बाद भी जीआई टैग को टाइम टू टाइम रिन्यू करा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीआई टैग एंड प्लीज़ लर्न सम एग्जाम्पल ऑफ द जीआई टैग ऑल्सो। And moving ahead with the patent, so the word patent originate from the Latin patere, which means to lay open, that is to make available for the public inspection, which was a royal decree granting exclusive right to a person predating the modern patent system. Similar grants included land patent, which were land grants by early state government in the USA, and printing patents are precursors of the modern copyright. In modern uses, the term patent usually refers to the right granted to anyone who invent a new, useful and the non-obvious process, machine, article of manufacture or the composition of the matter. Some other types of the intellectual property right are also called patent in some jurisdiction. Industrial design rights are called design patents in the US. Plant breeders' rights are sometimes called the plant patents. A patent is an exclusive monopoly granted by the government of an inventor over his invention for limited period of time. So, जो patent word है ये patier से आया, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को public के inspection के लिए उपलब्ध कराना। मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो पेटेंट का मतलब है कि किसी को राइट देना जो
नई चीज़ को बना रहा है या फिर कोई नए प्रोसेस को खोज रहा है या फिर कोई मशीन या फिर कोई नई आर्टिकल या फिर मशीन्स को डिज़ाइन कर रहा है तो उस पर्सन को जो है पेटेंट प्रोवाइड करा जाता है। अब पेटेंट जो होता है एक एक्सक्लूसिव राइट होता है और कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है जैसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट जो होता है इसको US में डिज़ाइन पेटेंट कहते हैं और जो ब्रीडर्स राइट होता है उसको जो है प्लांट पेटेंट कहते हैं US में। नाउ क्राइटेरिया फॉर अ पेटेंट, आपको पेटेंट कब मिलेगा उसकी कुछ क्राइटेरिया हैं। कोई भी इन्वेंशन अगर आप करते हैं तो वो जो है नॉवेल मतलब नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए मतलब कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए उसके, फिर कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो नए प्रोडक्ट को आप डिज़ाइन किए हैं उसका कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। सो दीज आर द 3 क्राइटेरिया ऑफ द पेटेंट। जो इन्वेंशन है मस्ट नॉट बी पब्लिश इन इंडिया और एल्सवेयर इन प्रायर पब्लिक नॉलेज और प्रायर पब्लिक यूज़ विद इन इंडिया, क्लेम्ड बिफोर इन एनी स्पेसिफिकेशन इन इंडिया। सो जो आपने इन्वेंशन किया है वो इंडिया या फिर कहीं भी पब्लिश नहीं हुआ होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके बारे में लोगों को जानकारी ना हो मतलब कुछ नया होना चाहिए और उसको पहले किसी ने जो है क्लेम ना किया हो। एंड इन्वेंटिव स्टेप्स मीन्स अ फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांस एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। सो इन्वेंटिव स्टेप का मतलब है कि आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ टेक्निकल नॉलेज का यूज़ करके कुछ नई चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हो। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब है इन्वेंशन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब जो आपने इन्वेंशन किया है उसको जो है बनाया जा सकता है और उसको किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में जो है यूज़ किया जा सकता है। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे पेटेंट नहीं मिलता है? सो कोई भी आर्टिस्टिक वर्क या फिर क्रिएशन होता है उस पे आपको पेटेंट नहीं मिल सकता है। फिर उसके बाद है मैथमेटिकल मेथड्स जो होते हैं उन पे भी आपको पेटेंट नहीं मिलता है। बिजनेस स्कीम्स जो होती हैं उन पर भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। एनीथिंग अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉ उस पर भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। इंडियन पेटेंट एक्ट ग्रांट्स फॉलोइंग राइट्स टू द पेटेंटी। सो ये सारे राइट्स जो हैं प्रोवाइड करता है पेटेंट एक्ट टू अ पेटेंट होल्डर। सो राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, रॉयल्टी का अधिकार देता है, राइट टू लाइसेंस एंड डिज़ाइन द पेटेंट, राइट टू सरेंडर द पेटेंट, राइट टू श्योर फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट। नाउ मूव अहेड विद द नेचर ऑफ द पेटेंट और द टाइप ऑफ द पेटेंट। सो पेटेंट इज़ बेसिकली 3 टाइप, यूटिलिटी पेटेंट, प्लांट पेटेंट एंड द डिज़ाइन पेटेंट। सो यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? हूएवर इन्वेंट्स और डिस्कवर एनी न्यू एंड यूजफुल प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर और कंपोजिशन ऑफ मैटर और एनी न्यू एंड यूजफुल इम्प्रूवमेंट देयर ऑफ मे ऑब्टेन अ पेटेंट, देयर फॉर सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइटल। सो यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? अगर कोई भी नई डिस्कवरी करता है या फिर नई चीज़ को इन्वेंट करता है जो कि यूजफुल प्रोसेस में यूज़ होता है, लाइक कोई मशीन डिज़ाइन किया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बनाया है या फिर कोई नई यूजफुल इम्प्रूवमेंट किया है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, तो ये होता है हमारा यूटिलिटी पेटेंट। कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स इन सारी चीज़ों पर जो पेटेंट मिलता है उसको जो है हम लोग यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं। प्लांट पेटेंट क्या होता है? कोई नई चीज़ प्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया है या फिर डिस्कवर किया है, जैसे कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस एनी डिस्टिंक्ट एंड न्यू वेराइटी ऑफ द प्लांट। इसमें प्लांट रिलेटेड कोई नई डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन होता है उसको जो है हम लोग प्लांट पेटेंट कहते हैं। लाइक कोई म्यूटेंट स्पीसीज ढूंढ दिया अपने, हाइब्रिड स्पीसीज ढूंढ दिया या फिर कोई नई तरीका ढूंढ दिया है प्लांट को रिप्रोड्यूस रीजनरेट कराने का। सो ये सारी चीज़ें जो है प्लांट पेटेंट के अंदर आती हैं। फिर इसके बाद है हमारा डिज़ाइन पेटेंट। सो हूएवर इन्वेंट्स एनी न्यू ओरिजिनल और द ऑर्नामेंटल डिज़ाइन फॉर एन आर्टिकल
ऑफ मैन्युफैक्चर में ऑब्टेन अ पेटेंट, कोई नई चीज़ आप जो है, कोई ऑर्नामेंटल डिज़ाइन आप जो है डिस्कवर किए हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, तो आपको जो है इस पर पेटेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल नॉन फंक्शनल अ डेकोरेशन अप्रेजल ज्वेलरी, सो ये इन सारी चीज़ों पे जो है आपको डिज़ाइन पेटेंट का पेटेंट राइट प्रोवाइड होगा। कैन ईजली बी डिज़ाइंड अराउंड नो फंक्शनैलिटी टू प्रोटेक्ट द प्रोसेस। Now the history of the Patent Act in India. So, in 1856, Act for the Protection of the Invention on the Basis of the British Law 1852, and then 1859 Patent Monopolies called Exclusive Privileges for the 14 year, and then 1872 Patent and Design Act आया, 1883 में प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेंशन एक्ट आया, फिर 1888 में इन्वेंशन एंड डिज़ाइन एक्ट आया, 1911 टू 1947 में जो है मॉडर्न पेटेंट एरा बाय द पेटेंट्स एंड द डिज़ाइन एक्ट, फर्स्ट टाइम एन अथॉरिटी कॉल कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट अपॉइंटेड, पहली बार जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट को जो है अपॉइंट किया गया था। एंड देन हमारा 1959 में जस्टिस एंगर्स रिपोर्ट आई थी, 1967 में पेटेंट एक्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, 1970 में पेटेंट एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, 1972 पेटेंट एक्ट 1970 केम इनटू फोर्स ऑन अप्रैल 20, 1972, 1994 अमेंडमेंट बाय द ऑर्डिनेंस टू इंक्लूड द एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट, 1999 अमेंडमेंट पास बाय द पार्लियामेंट, न्यू पेटेंट अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू द सेलेक्ट कमिटी, 2003 पेटेंट एक्ट 1970 विथ द सेकेंड अमेंडमेंट कम इनटू द फोर्स, 2005 पेटेंट एक्ट 1970 2005 अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1/1/2005। सो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तीन पॉइंट हैं कि पेटेंट एक्ट कब आया था पार्लियामेंट में 1967 में, पास कब हुआ था 1970 में। सो दिस टू आर वेरी इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द पेटेंट एक्ट। नाउ मूव अहेड विद द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। सो इसके कुछ सैलियंट फीचर्स क्या क्या हैं, सो सैलियंट फीचर्स देखें तो द लॉ एलिब्रेटेड द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन टू मीन एनी न्यू आइडिया एंड यूजफुल। सो ये इसमें नई आइडियाज़ एंड न्यू इन्वेंशन के बारे में डेफिनेशंस प्रोवाइड किया गया है किस क्षेत्र में आपको जो है पेटेंट मिल सकता है। तो अगर कोई आर्ट, प्रोसेस, मेथड या फिर मैनर ऑफ ए मैन्युफैक्चर है, इस केस में मशीन, अपैरेटस और अदर आर्टिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चर, इन दिस केसेस यू विल गेट द पेटेंट राइट। नो प्रोडक्ट पेटेंट वॉज गिवन फॉर द सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज एज फूड, ड्रग्स, मेडिसिन और एनी अदर प्रोड्यूस बाय एनी केमिकल प्रोसेस। सो कोई भी चीज़ केमिकल प्रोसेस से बनी है तो उस पर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, या फिर कोई फूड, ड्रग्स, मेडिसिन, इन सारी चीज़ों पे पेटेंट नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है पेटेंट एक्ट की बात है। टर्म ऑफ प्रोसेस ऑफ पेटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, मेडिसिन, ड्रग इज फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सीलिंग ऑफ द पेटेंट और 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेटेंट, विच एवर इज शॉर्टर। सो पहले जो पेटेंट एक्ट के हिसाब से 5 या 7 साल के लिए पेटेंट जो है दिया जाता था इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, मेडिसिन एंड ड्रग। यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को पेटेंट नहीं मिलता था जो कि फूड या फिर ड्रग्स में यूज़ होते थे और किसी केमिकल प्रोसेस से बनते थे। एंड देन हमारा बोथ प्री ग्रांट एंड द पोस्ट ग्रांट अपोजिशन इज़ देयर। पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन मिलता है। लाइक पेटेंट देने से पहले आप जो है पेटेंट होल्डर को अपोज कर सकते हैं अगर वो आपके काम को चुरा रहा है, और पेटेंट मिलने के बाद भी आप जो है अपोजिशन शो कर सकते हैं। पेटेंट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज,
पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर 18 मंथ्स विद द फैसिलिटी फॉर द अर्ली पब्लिकेशन सब्सटेंशली रिड्यूस टाइम लाइन्स लॉ हैड प्रोविजन फॉर ओपनिंग सेवरल ब्रांचेज ऑफ द पेटेंट ऑफिसेज लॉ हैड प्रोविजन फॉर अपीलिंग टू हाई कोर्ट ऑन सर्टेन डिसीजन ऑफ द कंट्रोलर अमेंडमेंट टू द पेटेंट एक्ट 1970 सो पेटेंट एक्ट में पहला अमेंडमेंट जो है 1999 में हुआ था इसमें क्या हुआ कि होल्ड पेटेंट एप्लीकेशन फॉर द इसमें जो हमारा पेटेंट दिया जाएगा किसी ड्रग या फिर एग्रीकल्चर केमिकल प्रोडक्ट के लिए वो जो है 1 जनवरी 2005 तक दिया जाएगा जो कि 5 साल के लिए पेटेंट प्रोवाइड किया जाएगा एंड सेकेंड अमेंडमेंट जो है 2002 में दिया गया था इसमें मेन बात ये है कि इंट्रोड्यूस हुई थी बेस बिल जो है इंट्रोड्यूस हुई थी 20 दिसंबर 1999 को और सबमिट हुआ था 19 दिसंबर 2001 को और पास हुई थी 2002 को और इसमें क्या है कुछ चेंजेस आए थे जो टाइम पीरियड पेटेंट के लिए 5 to 7 ईयर था वो जो है 20 साल हो गया रिवर्सल ऑफ द बर्डन ऑफ रूफ ऑन द इन्फ्रिंजर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एपेलेट बोर्ड यहाँ पे एक पेटेंट एपेलेट बोर्ड बनाया गया पब्लिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड एंड मेजर फॉर द प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज सो ये सारी चीज़ें जो है ऐड हुई फर्स्ट में क्या था कि 5 साल के लिए पेटेंट प्रोवाइड करना था फॉर द ड्रग्स और एनी केमिकल प्रोडक्ट टिल 1 जनवरी 2005 सेकेंड में मेजर चीज़ें क्या थी जो पेटेंट का टाइम पीरियड था वो 20 साल कर दिया गया और बहुत सारी एपेलेट बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ नाउ पेटेंट एक्ट 1970 विथ न्यू एक्ट 2002 अ न्यू डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन इज गिवेन अंडर दिस अमेंडमेंट सो यहाँ पे इन्वेंशन की एक नई डेफिनेशन प्रोवाइड की गई थ्रू 2002 इन अमेंडमेंट सो अ न्यू प्रोडक्ट और अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैज नाउ कम इन टू द फोर्स A method or the process of testing during the process of manufacture will now be patentable. कोई भी method या फिर process जिसका आप manufacturing में use कर रहे हैं अगर वो नया है तो उस पर भी आपको patent मिल सकता है Process defined in case of plants are now patentable while a process for diagnostic and therapeutic has now been considered as non-patentable. सो अगर आप प्लांट्स के केस में अगर कोई प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपको पेटेंट मिल सकता है लेकिन डायग्नोस्टिक और थ्योराप्यूटिक के केस में अगर आप कोई प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है पेटेंट नहीं मिलेगा द सोर्स ऑफ द जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द बायोलॉजिकल मटीरियल यूज इन द इन्वेंशन इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन द स्पेसिफिकेशन थर्ड अमेंडमेंट इज डन इन 2005 Some of the major features of the Patent Amendment Act 2005 are indigenous manufacture पे focus किया यहाँ पर भी pre-grant and post-grant opposition avenues present थे in order to prevent the evergreening of the patent for the pharmaceutical substances provision listing out the exceptions to patentability have been suitably amended so as to remove all the ambiguity as to scope of patentability inventions were only method or the process of manufacture पेटेंटेबल सो मेन पॉइंट्स क्या है थर्ड अमेंडमेंट के पहला ये इंडिजीनस मैन्युफैक्चर पे फोकस करता है थर्ड सेकंड पॉइंट इज दैट जो प्रोसेस यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में उसको भी पेटेंट करवा सकते हैं थर्ड चीज़ ये है कि कोई भी इन्वेंशन आपका चल रहा है उसमें जो मेथड्स यूज़ हुआ है उसको भी इन्वेंशन उसको भी पेटेंट जो है मिल सकता है बट इन केस ऑफ थ्योराप्यूटिक्स और डायग्नोस्टिक द प्रोसेस और द मेथड यूज्ड इन द थ्योराप्यूटिक्स विल नॉट बी पेटेंटेबल
फोर्थ अमेंडमेंट इज़ डन इन 2010 अकॉर्डिंग टू दिस द प्रिंसिपल एक्ट अमेंडमेंट बाय द डिलीशन ऑफ द वर्ड पेटेंट ऑफिस वेयर एवर दे अपीयर एंड द सब्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑफ द वर्ड इज एजेंसी। सो चौथे अमेंडमेंट जो 2010 में करा गया था, इसका सबसे मेन पॉइंट है कि पेटेंट ऑफिस वर्ड जो है इसको डिलीट करके एजेंसी वर्ड को ऐड किया गया था। रजिस्ट्रार एंड अदर स्टाफ एक्ट नंबर 15 ऑफ 2010, द रजिस्ट्रार शैल एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द ड्यूटीज असाइंड टू द रजिस्ट्रार बाय दिस एक्ट एंड द पेटेंट एंड द कंपनीज रजिस्ट्रेशन एजेंसी एक्ट 2010। सो इसमें क्या है, रजिस्ट्रार को जो है वो सारी ड्यूटीज और एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेंगी जो कि इस एक्ट के अंदर जो है मेंशन है। पेटेंट ऑफिस, सो हेड ऑफिस जो है इसकी कोलकाता में है, ब्रांच ऑफिस जो है दिल्ली चेन्नई मुंबई, दिल्ली चेन्नई मुंबई पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर यूपी केरला तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात एमपी गोवा। सो ये सब जो है ब्रांच ऑफिस एंड हेड ऑफिस जो है कोलकाता में है। द पेटेंट ऑफिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, जो पेटेंट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ईच ऑफ द ब्रांच ऑफिस हैव दियर ओन फिक्स्ड टेरिटरी एंड एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एरियाज लाइंग विद इन इट्स जियोग्राफिकल लिमिट्स। फिलिंग अ पेटेंट प्रायर आर्ट ऑफ पेटेंट स्टेजेस फ्रॉम फीलिंग टू ग्रांट पेटेंट। सो सबसे पहले आपको अगर पेटेंट चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर आपको ऑप्टेनिंग अ पेटेंट, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट विथ वन ऑफ द पेटेंट ऑफिसेज बेस्ड ऑन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ ऑफिस और रेजिडेंस ऑफ द एप्लीकेशन और द एजेंट, पे द रिक्वायर्ड फीस। अगर आपको पेटेंट चाहिए, सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पेटेंट ऑफिस में जा करके, और आपको जो है जितनी फ़ी लगेगी उसको आपको जो है पे करना पड़ेगा। एंड देन अगर आप अपना फॉर्म फिलअप कर दिए, फिर इसके बाद है फॉर्मेलिटी चेक। एक एग्ज़ामिनर होगा जो कि आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा और आपके एप्लीकेशन को जो है चेक करेगा। इशू ऑफ द एप्लीकेशन नंबर एंड द कैश रिसिप्ट, दिस इज़ डन ऑन द सेम डे। आपके एप्लीकेशन इशू होगा, एप्लीकेशन नंबर इशू होगा और कैश रिसिप्ट जो है इशू होगा सेम डे पर ही। इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द पोस्ट, कैश रिसिप्ट एप्लीकेशन नंबर इज सेंड बाय पोस्ट विद इन 2 to 3 days। अगर आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन नंबर एंड रिसिप्ट चाहिए तो इसके लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे। हाँ, फिर थर्ड स्टेप में है हमारा पब्लिकेशन। सो एप्लीकेशन इज केप सीक्रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग। सो आपका एप्लीकेशन जो है 18 month तक रख दिया जाएगा। फिर 19वें महीने में क्या होगा कि एप्लीकेशन को पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल जर्नल में। दिस जर्नल इज मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट वीकली। सो 18, आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने पैसे पे किए, पैसे पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर और रिसिप्ट जो है इशू होगा सेम दिन पर, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पर जो है 2-3 दिन में वो पहुंच जाएगा। फिर आपका एप्लीकेशन जो है 18 month तक रख दिया जाएगा, 19th month में वो जो है पब्लिश होगा जो वीकली जो है वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल होगा। एप्लीकेंट हैज़ एन ऑप्शन टू गेट हिज एप्लीकेशन पब्लिश बिफोर 18 months ऑल्सो, इन दैट केस एप्लीकेशन इज़ पब्लिश विद इन 1 month ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर एप्लीकेंट चाहता है कि उसका एप्लीकेशन जो है 18 महीने से पहले ही पब्लिश हो जाए तो वो भी पॉसिबल है। तब आपको जो है एक रिक्वेस्ट फॉर्म डालना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन जो है 1 महीने के अंदर भी पब्लिश हो सकता है। फिर है हमारा नेक्स्ट स्टेप इज़ द रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। सो एप्लीकेशन इज एग्जामिन्ड ऑन द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन कैन बी मेड आइदर बाय द एप्लीकेंट और बाय अ थर्ड पार्टी। अ पीरियड ऑफ 48 month फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग इज अवेलेबल फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।
आपने जो है आपका पब्लिश हो गया एप्लीकेशन, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो है या तो एप्लीकेंट कर सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी का मेंबर भी एग्जामिनेशन के लिए कर सकता है। 48 मंथ के बाद आप जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन। नाउ एग्जामिनेशन इज़ द नेक्स्ट स्टेप। एप्लीकेशन इज़ सेंड टू एन एग्जामिनर विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आपने 48 मंथ के बाद रिक्वेस्ट डाला एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन के, उसके 1 महीने के अंदर जो है आपका एग्जामिनर जो है आपका एप्लीकेशन है वो एग्जामिनर के पास भेज दिया जाएगा। एग्जामिनर अंडरटेक्स एग्जामिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू, एग्जामिनर जो है एग्जामिनेशन लेगा विथ रिस्पेक्ट टू विदर द क्लेम्ड इन्वेंशन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, विदर द इन्वेंशन मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी। सो एग्जामिनर जो होगा 2 बेसिस पे आपके एप्लीकेशन को चेक करेगा। पहला, कोई दूसरा पर्सन आपके पेटेंट को अपोज तो नहीं ना कर रहा है, और दूसरा ये कि आपका जो पेटेंट आप जिस चीज़ पर चाहते हैं उसमें जो पेटेंटिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि नहीं। पेटेंटिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से थी? पहला तो वो कोई नोबेल प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई इन्वेंटेड चीज़ें होनी चाहिए, और थर्ड था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। सो ये तीनों क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं, ये जो है एग्जामिनर चेक करेगा। फिर इसके बाद है हमारा इशू ऑफ द FER, मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अ पीरियड ऑफ 1 to 3 months इज अवेलेबल टू द एग्जामिनर टू सबमिट द रिपोर्ट टू द कंट्रोलर। 1 month टाइम अवेलेबल टू द कंट्रोलर टू वेट द एग्जामिनर्स रिपोर्ट। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन इज इशूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ रिक्वेस्ट। सो 1 से 3 महीने जो होते हैं एग्जामिनर को अवेलेबल होते हैं आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में जितने भी लोग ऑब्जेक्शन करेंगे आपके पेटेंट को, उनका जो है इशू मेंशन होगा, और 6 महीने के लिए पेटेंट को जो है आपका FER इशू होता है, तो 6 महीने के लिए उसको अवेलेबल कराया जा सकता है जाता है, ताकि कोई दूसरा पर्सन अगर जो ये सोचता हो कि उसके काम को कॉपी करके वो पर्सन पेटेंट लेना चाहता है तो उसको जो है ऑब्जेक्शन दे सकता है। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिस्पॉन्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। 12 month टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ FER इज अवेलेबल टू द एप्लीकेंट टू मीट द ऑब्जेक्शन। जब आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट पब्लिश होगा या फिर इशू होता है, उसके 12 महीने बाद आप जो है एप्लीकेंट के पास टाइम होता है कि वो अपने ऑब्जेक्शन से मिले, लाइक उनसे बात करे, उनसे जो करवाना है वो करे। अगर कोई ऑब्जेक्शंस मिल रहे हैं सो ग्रांट ऑफ पेटेंट इज़ अप्रूव्ड बाय द कंट्रोलर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month। सो अगर कोई पर्सन जो है ऑब्जेक्शन नहीं दिखा रहा है पेटेंट के लिए, तो जो कंट्रोलर जनरल हैं वो पेटेंट को 1 महीने के अंदर अप्रूव कर देंगे। प्री ग्रांट ऑपोजिशन आफ्टर पब्लिकेशन एंड ऑपोजिशन कैन बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। अगर आपका पेटेंट पब्लिश भी हो गया है तो उसके 6 महीने बाद तक आपको टाइम रहता है कि आप पेटेंट को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग द ओपोनेंट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अगर कोई एप्लीकेंट है जो पेटेंट लेना चाहता है, अगर कोई दूसरा बंदा जो है ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उसको जो है सुन सकता है कि वाई दे आर ऑब्जेक्टिंग फॉर योर पेटेंट। एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्री ग्रांट ऑपोजिशन। ऑपोजिशन डॉक्यूमेंट इज सेंड टू द एप्लीकेंट। अ पीरियड ऑफ 3 months इज़ अलाउड फॉर द रिसिप्ट ऑफ द रिस्पॉन्स।
consideration of a pre-grant opposition. After examining the opposition and the submission made during the hearing, controller may either so opposition को सुनते वक्त जो controller है या तो वो आपके patent को reject कर सकता है या तो वो opposition को reject कर सकता है और पेटेंट को ग्रांट कर सकता है या फिर ऑपोजिशन को एक्सेप्ट कर सकता है और आपके पेटेंट को रिजेक्ट कर सकता है. सो FER पोस्ट ग्रांट ऑब्जेक्शन में क्या है बेसिकली, इसमें ये है कि आपका मान लेते हैं पेटेंट जो है वो पब्लिश हो गया है. अब इसके बाद 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि इज़ देयर एनी पर्सन हु इज़ गोइंग टू ऑब्जेक्ट और पुट ऑब्जेक्शंस ऑन योर पेटेंट. अगर कोई पर्सन जो है ऑब्जेक्शन दे रहा है कि ये आपने मेरे काम को कॉपी किया हुआ है, तो वो ऑब्जेक्शन दे दिया, आप कंट्रोलर जो होगा वो या तो ऑब्जेक्शन इस पर्सन की बात को सुनेगा. मान लेते हैं ये कंट्रोलर है और ये ऑपोजिशन है और ये एप्लीकेंट है जिसको पेटेंट मिला हुआ है. कंट्रोलर दो चीज़ कर सकता है, या तो ऑब्जेक्शन की बात को सुने और पेटेंट को जो है रिजेक्ट करें, और या तो वो ऑब्जेक्शन वाला जो पर्सन है उसको रिजेक्ट करें और पेटेंट को जो है एक्सेप्ट करें. सो दो चीज़ जो है कंट्रोलर कर सकता है इस केस में. सो दिस इज़ टू बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ऑपोजिशन प्रोसीडिंग. कोई भी पर्सन अगर वो ऑपोजिशन दे रहा है तो उसके 1 महीने के बाद जो है 1 महीने के अंदर ये जो है कंट्रोलर जो है 1 महीने के अंदर डिसीज़न लेता है कि आइदर पेटेंट को देना है या पेटेंट को रिजेक्ट करना है. सो ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, अ सर्टिफिकेट ऑफ पेटेंट इज़ इशूड विद इन 7 days. सो एक सर्टिफिकेट जो है एक पेटेंट का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है 7 दिन के अंदर. ग्रांट ऑफ पेटेंट इज़ पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल जर्नल. नाउ स्टेजेस और द फीलिंग ऑफ द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, दिस इज़ द फ्लो डायग्राम. सो सबसे पहले जो एप्लीकेंट होगा वो फॉर्म को फिल करेगा, कंप्लीट करेगा, पैसे को पे करेगा, फिर उसका एप्लीकेशन जो है वो पब्लिश होगा, फिर 18 मंथ के बाद वो जो है रिक्वेस्ट करेगा फॉर द एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है पब्लिश होगी. और रिक्वेस्ट करने के लिए आइदर थर्ड पार्टी और द एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर सकता है. फिर उसके बाद हमारा पेटेंट का जो है ग्रांट होगा. फिर उसके बाद ऑपोजिशन 12 महीने के अंदर ऑपोजिशन जो है अपोज कर सकता है. फिर उसके बाद जो कंट्रोलर होगा वो डिसीज़न लेगा, डिसीज़न या तो वो पेटेंट को एक्सेप्ट कर सकता है या तो पेटेंट को वो जो है रिजेक्ट कर सकता है. फिर एपेलेट बोर्ड जो है रिवोकेशन और द अमेंडमेंट का काम करेगा. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ द फाइलिंग टू ग्रांट ऑफ द पेटेंट. नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ IPR. सो इन्वेंशन एंड द क्रिएटिविटी आर टू मेजर एस्पेक्ट दैट गिव एंड हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. इन्वेंशन और क्रिएटिविटी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं. प्रोटेक्शन ऑफ सच क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन इज
इन्वेंशन और क्रिएटिविटी दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जो कि नेशन के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट होती हैं। इन दोनों चीज़ों का प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें देश की डेवलपमेंट करनी है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द नोबेल इन्वेंशन। हमें ज़रूरत है कि जो नए इन्वेंशन है उनको ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट में भी जो प्रोटेक्शन है वो मिलनी चाहिए। इट इम्प्लाइज अ ग्रांट फ्रॉम द सॉवरेन पावर सिक्योरिंग द इन्वेंशन फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग एंड सेलिंग बाई अदर्स। द फॉलोइंग फैक्ट इज़ इनकरेज इन्वेंशन। सो जो IPR है ये इन्वेंशन, सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है। सो क्रिएटिविटी और इन्वेंशन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई नई इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी की जा रही है तो उसका जो ट्रांस बाउंड्री लाइक एक देश से दूसरे देश में जो ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे भी इसका प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। सो इन सारी चीज़ों के लिए IPR जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये जो है इनकरेज करता है इनोवेशन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को इनकरेज करता है और सेफगार्ड द राइट ऑफ द क्रिएटर। जो क्रिएटर है वो अपने काम को सेफली अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है और उससे जो बेनिफिट्स होंगे सिर्फ उसी को मिलेंगे और कोई अगर उसकी बेनिफिट्स को लेना चाह रहा है लाइक कोई कॉपी करना चाह रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होती है। लेट्स मूव अहेड विथ द केस स्टडीज़। सो इन्फ्रिंजमेंट और द वायलेशन ऑफ द पेटेंट रेमिडीज अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट। सो डायमंड वर्सेज चक्रवर्ती केस, ये जो है केस स्टडी फर्स्ट है हमारा। सो आनंद मोहन चक्रवर्ती अ जेनेटिक इंजीनियर वर्किंग फॉर द जनरल इलेक्ट्रिक हैड डेवलप अ बैक्टीरियम डिराइव फ्रॉम द स्यूडोमोनास जीनस एंड नाउ नोन एज द स्यूडोमोनास पुटीटा कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन द क्रूड ऑयल विच ही प्रपोज टू यूज इन द ट्रीटिंग ऑयल स्पिल्स। जनरल इलेक्ट्रिक फाइल्ड अ पेटेंट एप्लीकेशन फॉर द बैक्टीरियम इन द यूनाइटेड स्टेट लिस्टिंग चक्रवर्ती एज द इन्वेंटर but the application was rejected by a patent examiner because under patent law at that time it was generally understood that living things were not patentable. so overall इसमें क्या है, एक आनंद मोहन चक्रवर्ती नाम के एक जेनेटिक इंजीनियर थे जो कि जनरल इलेक्ट्रिक पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी बैक्टीरियम को बनाया, एक उन्होंने बैक्टीरिया को डिज़ाइन किया जो कि जो हमारा बैक्टीरियम को बनाया जो कि स्यूडोमोनास जीनस का था जिसका नाम था स्यूडोमोनास पुटीडा, जिसको हम लोग आज स्यूडोमोनास पुटीडा के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरियम स्यूडोमोनास ये बैक्टीरिया जो है जो क्रूड ऑयल होता है उसको ब्रेक करने का काम करती थी, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए ये जो है कैपेबल थी। तो इन्होंने उसका यूज़ किया ऑयल स्पिल्स में। तो जनरल इलेक्ट्रिक ने जो है एक एप्लीकेशन फाइल की उस बैक्टीरियम के पेटेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट में, बट उस टाइम पे जो पेटेंट एग्जामिनर था उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कोई पेटेंट नहीं मिलता है।
फिर चक्रवर्ती का नेक्स्ट स्टेप क्या था? सो ऑन अपील बाय द चक्रवर्ती टू द यूनाइटेड स्टेट कोर्ट ऑफ कस्टम एंड द पेटेंट अपील इट ओवरटर्न द केस इन द चक्रवर्ती फेवर. इट हेल्ड दैट सिंस दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन नेचुरली अकरिंग मैन्युफैक्चर और द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंग्यूनिटी हैविंग अ डिस्टिंक्टिव नेम कैरेक्टर एंड द यूज द फैक्ट दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अलाइव इज विदाउट लीगल सिग्निफिकेंस फॉर द पर्पज ऑफ द पेटेंट लॉ. सिडनी अ डायमंड कमिश्नर ऑफ द पेटेंट एंड ट्रेडमार्क देन फाइल्ड अ पिटीशन अगेंस्ट द डिसीजन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द US. After 4 to 5 hearing, court also ruled in favor of Chakravarti and upheld the patent, holding that a live human-made microorganism is patentable. चक्रवर्ती का स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या था? उन्होंने फिर से अपील किया यूनाइटेड स्टेट कोर्ट ऑफ कस्टम एंड पेटेंट अपील में, और उन्होंने अपील किया और वो पूरा केस जो है चक्रवर्ती की तरफ आ गया. तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक नॉन नेचुरली अकरिंग मैन्युफैक्चर और कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर है एंड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंग्यूनिटी हैविंग अ डिस्टिंक्टिव नेम कैरेक्टर एंड यूज. फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट थी या फिर जो यूनाइटेड स्टेट की कोर्ट थी, उन्होंने चक्रवर्ती को जो है पेटेंट प्रोवाइड कर दिया. पेटेंट प्रोवाइड होने के बाद सिडनी ए डायमंड जो थे सिडनी ए डायमंड ने जो है जो कमिश्नर थे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क के, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ US. फिर 4-5 हियरिंग के बाद जो डिसीजन था वो चक्रवर्ती के केस में आया, और कोई भी ह्यूमन मेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है पेटेंट मिलता है ये कह के डिसीजन दे दिया गया. सो बेसिकली ओवरऑल केस क्या है, यहाँ पे एक आनंद मोहन चक्रवर्ती हैं जिन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया है जिसका नाम स्यूडोमोनास पिट्यूडा है. ये बैक्टीरिया जो है जो क्रूड ऑयल होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो ये चक्रवर्ती जी हैं उन्होंने उसका यूज़ किया ऑयल स्पिल्स को ऑयल स्पिल्स में. सो उन्होंने जो है एक पेटेंट एक एप्लीकेशन फाइल की फॉर द पेटेंट ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ओनर इज़ चक्रवर्ती. सो पेटेंट एप्लीकेशन जो है एग्जामिनर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उस टाइम पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे पेटेंट नहीं मिलता था. फिर उसके बाद चक्रवर्ती अगेन जो है US के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अपील देते हैं, अपील करते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अगर मैंने खुद से उस पे काम किया है, मैंने उसका डिफरेंट नाम दिया है और उसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक को अल्टर करके उसको कुछ यूज़फुल चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, तो इट मीन्स वो मेरी नई इन्वेंशन है. तो इनकी अपील के बाद जो US की सुप्रीम कोर्ट थी चक्रवर्ती की तरफ जो है डिसीज़न दिया. लेकिन डिसीज़न के बाद एक सिडनी ए डायमंड थे जो कि कमिश्नर थे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क के, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न ऑफ US. फिर उसके बाद 4-5 हियरिंग के बाद जो डिसीज़न आया वो चक्रवर्ती के फेवर में था, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर कोई ह्यूमन मेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको ह्यूमन अल्टर करके नई चीज़ों को नई फीचर से उससे कुछ नए काम को कर रहा है तो उसको जो है पेटेंट दिया जाएगा, और जो चक्रवर्ती थे उनको जो है पेटेंट मिल गया. चक्रवर्ती ने जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, ये जो है नॉर्मली ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लेम्ड स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, और ये जो है नेचुरली अकरिंग स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है. जो नेचुरली अकरिंग स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है इसमें एक क्रोमोसोम है और एक हमारा प्लाज्मिड है, लेकिन यहाँ पे 4 प्लाज्मिड हैं. यहाँ पे मतलब 3 प्लाज्मिड को ऐड करके इसके फीचर्स को जो है इन्हेंस कर दिया, जिसकी वजह से ये जो है क्रूड ऑयल को ब्रेक करने का काम करते हैं. सो ये रहा हमारा पहला केस
पेटेंट से रिलेटेड। अब दूसरा केस जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है, नीम पेटेंट केस, अ केस ऑफ बायोपायरेसी। नीम केस मतलब ये बायोपायरेसी, जो जेनेटिकली अकरिंग प्लांट्स होते हैं या फिर जो बायोलॉजिकली अकरिंग या फिर नेचुरली अकरिंग प्लांट्स होते हैं उन पर जो है पेटेंट लेने का काम अगर कोई करता है एंड उनसे फ़ायदा लेना चाहता है तो उसको हम लोग बायोपायरेसी कहते हैं। सो बायोपायरेसी इज़ द थेफ्ट ऑफ द जेनेटिक मटीरियल स्पेशली प्लांट्स एंड अदर बायोलॉजिकल मटीरियल्स बाय द पेटेंट प्रोसेस। सो बायोपायरेसी का मतलब है कोई भी जेनेटिक मटीरियल जैसे कि प्लांट या फिर कोई बायोलॉजिकल मटीरियल है उसको चुराने का काम करा जाता है पेटेंट प्रोसेस के थ्रू। इन 1971 US टिम्बर इम्पोर्टर रॉबर्ट लार्सन ऑब्जर्व द ट्री यूजफुलनेस इन इंडिया एंड बिगेन इम्पोर्टिंग नीम सीड टू हिज कंपनी हेड क्वार्टर इन विस्कॉन्सिन। सो 1971 में US टिम्बर इम्पोर्टर जो थे जिनका नाम था रॉबर्ट लार्सन, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में जो जो लकड़ी है उसका कितना यूज़फुल लकड़ियाँ जो हैं कितनी ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो वो जो है नीम को इंपोर्ट करने लगे अपनी कंट्री में। और कंट्री में भी वो किस जगह पे इंपोर्ट करते थे, तो उनका जो हेड क्वार्टर था विस्कॉन्सिन, वहाँ पे जो है इंपोर्ट करने लगे नीम को इंडिया से। ओवर द नेक्स्ट डिकेड ही कंडक्टेड सेफ्टी एंड द परफॉर्मेंस टेस्ट अपॉन अ पेस्टिसाइडल नीम एक्सट्रैक्ट कॉल्ड मार्गोसन ओ एंड इन 1985 रिसीव्ड क्लियरेंस फॉर द प्रोडक्ट फ्रॉम द US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। सो इन्होंने 10 साल तक उस पर काम किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो टेस्ट कर सके कि जो पेस्टिसाइडल नीम एक्सट्रैक्ट है, जो नीम एक्सट्रैक्ट है वो पेस्टिसाइड्स को किल करने का काम करता है और उसको कहा गया मॉर्गोसन ओ। और 1985 में इसको जो है अप्रूवल मिल गया था US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा। थ्री इयर्स लेटर ही सोल्ड द पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट टू द मल्टीनेशनल केमिकल कोऑपरेशन कॉरपोरेशन WR ग्रेस एंड कंपनी। सो 3 साल बाद इन्होंने जो है पेटेंट को बेच दिया मल्टीनेशनल केमिकल कॉरपोरेशन WR ग्रेस एंड कंपनी को। 1985 में ओवर अ डजन US पेटेंट्स हैव बीन टेकन आउट बाय द US एंड जापानीज फर्म्स ऑन फार्मूले फॉर स्टेबल नीम बेस्ड सोल्यूशन एंड इमल्सन एंड इवन नीम बेस्ड टूथपेस्ट। 1985 तक US में दर्जनों पेटेंट्स जो हैं ले लिए गए थे, दर्जनों पेटेंट्स जो हैं ले लिए थे नीम बेस्ड सॉल्यूशंस, इमल्सन्स और नीम बेस्ड टूथपेस्ट के लिए। इन 1992 WR ग्रेस सिक्योर्स इट्स राइट टू द फार्मूला दैट यूज द इमल्सन्स फ्रॉम द नीम ट्री सीड्स टू मेक अ पावरफुल पेस्टिसाइड्स। 1992 में जो WR ग्रेस थे उन्होंने राइट सिक्योर किया फॉर द फॉर्मूला ही यूज फॉर द इमल्सन फ्रॉम द नीम ट्रीज सीड्स। नीम के ट्री से उन्होंने एक पावरफुल पेस्टिसाइड बनाया और उस पर उनको जो है पेटेंट राइट भी मिल गया। अब डिस्प्यूट क्या था, सबसे पहले क्या हुआ कि एक जो 1971 में US के जो टिम्बर इम्पोर्टर थे रॉबर्ट लार्सन, उन्होंने नीम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको ऑब्जर्व किया और सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है तो उसको जो है अपनी कंट्री में इंपोर्ट करने लगे, फिर उससे जो है पेस्टिसाइडल सॉल्यूशंस बनाए और 1885 में उसको जो है अप्रूवल भी मिल गया US के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से। फिर 3 साल बाद वो जो है अपना पेटेंट जो है बेच दिए मल्टीनेशनल केमिकल कॉरपोरेशन WR ग्रेस एंड कंपनी को। 1985 तक US में जो है दर्जनों पेटेंट्स थे नीम के सॉल्यूशंस के लिए, इमल्सन्स के लिए एंड टूथपेस्ट के लिए। 1992 में WR ग्रेस को जो है राइट मिल गया फॉर मेकिंग द पावरफुल पेस्टिसाइड्स बाय यूजिंग द नीम ट्रीज फॉर किलिंग द पेस्टिसाइड्स।
इट ऑल्सो सो द लास्ट पॉइंट मीनिंग इज़ दैट 1992 में डब्ल्यू आर ग्रेस को जो है राइट मिल गया कि वो जो है नीम ट्री का यूज़ करके कुछ यूज़फुल पावरफुल पेस्टिसाइड किलिंग इमल्सन को बनाए थे। फिर डिस्प्यूट कहाँ पर आया, इंडिया क्लेम्स दैट व्हाट द यूएस कंपनीज आर कॉलिंग डिस्कवरीज आर द एक्चुअल स्टीलिंग एंड पायरेटिंग ऑफ द इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस एंड द नॉलेज ऑफ इट्स पीपल। द इंडियन एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रीन पार्टी इन द यूरोपियन यूनियन अपोज बिग बिग बिजनेस ओनिंग द राइट्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे बिलीव दैट द राइट ऑफ द पुअर फार्मर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। Another issue is whether the neem tree is patentable since it is a product of nature. The problem is that W.R. Grace does not have a patent on the tree itself, but rather on the process of making the emulsion will be harmed. सो डिस्प्यूट क्या आया, पहले इंडियन लोग जो थे इस इंडिया जो इस पर अपोज किया कि यूएस जिसको कह रहा है कि उसकी नई डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन है, ये इंडिया में बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिनको वो कॉपी कर रहा है, और जो इसको अपोज करने के लिए ये फार्मर्स की राइट का ये फार्मर्स के द्वारा ट्रेडिशनल चीज़ें बनाई गई हैं जो कि इंडिया में बहुत सालों से यूज़ होती आ रही हैं, बट यूएस इन पर पेटेंट लेकर के फ़ायदा अर्न करना चाहता है। और दूसरा इशू था कि नीम ट्री जो है वो पेटेंटेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये तो नेचर का प्रोडक्ट है। फिर डब्ल्यू आर ग्रेस को जो है ट्री पर पेटेंट भी नहीं था, फिर भी उनको जो है प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमल्शंस पे पेटेंट मिला था, विच इज़ नॉट गुड। द नीम कैंपेन, द नीम कैंपेन कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनजीओ एंड इंडिविजुअल्स वॉज इनिशिएटेड इन 1993 इन इंडिया। सो नीम कैंपेन जो है स्टार्ट हुई थी इंडिया में 1993 में, जिसमें एक एनजीओ और कुछ इंडिविजुअल्स थे। दिस वॉज डन टू मोबिलाइज द वर्ल्ड वाइड सपोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनस नॉलेज सिस्टम एंड द रिसोर्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड फ्रॉम प्राइवेसी बाई द वेस्ट, पर्टिकुलरली इन द लाइट ऑफ इमर्जिंग थ्रेट फ्राम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजाइंस अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्स। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है और जो रिसोर्सेज हैं जो थर्ड वर्ल्ड फ्रॉम द पायरेसी बाय द वेस्ट, मतलब इंडिजिनस नॉलेज और जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं उनको कोई कॉपी ना कर पाए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये कैंपेन चलाई गई थी। और द नीम पेटेंट बिकम द फर्स्ट केस टू चैलेंज द यूरोपियन एंड द यूएस पेटेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ पायरेसी। नीम केस जो है पहला ऐसा केस था जो कि चैलेंज कर रहा था यूएस एंड यूरोपियन पेटेंट्स को पायरेसी बायो पायरेसी के बेसिस पर। केस जजमेंट ऑन 30 सितंबर 1997 द यूरोपियन पेटेंट ऑफिसर्स ऑफिस डिलीवर्ड अ फेवरेबल इंटरिम जजमेंट ऑन द चैलेंजेस ऑफ अ यूरोपियन पेटेंट ऑन द फंगिसाइडल इफेक्ट ऑफ नीम। द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस एक्सेप्टेड द आर्ग्यूमेंट ऑफर्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट एंड रिजेक्टेड द ऑर्डर ऑफ द यूएस पेटेंट ऑफिस टू अवार्ड द वेस्ट टू द डब्ल्यू आर टू अवार्ड द पेटेंट टू द डब्ल्यू आर ग्रेस अ यूएस बेस्ड कंपनी एट द लास्ट हियरिंग टू द हियरिंग ऑफ द केस। The Indian scientists argued that the people of the India have known the medicinal properties of the neem for thousands of years and hence no other company can patent its properties. The EPO accepted the argument. So, जो European Patent Office थी उन्होंने दोनों लोगों के केस को सुना 30 सितंबर 1997 को, और उन्होंने एक फेवरेबल जजमेंट दिया कि इंडिया के फेवर में उन्होंने जजमेंट दिया। इंडिया ने जो ये बोला कि ये हमारे देश में ट्रेडिशनल नॉलेज और ये सारी चीज़ें हमारे देश में बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं और इस पर यूएस कैसे पेटेंट ले सकता है, तो इस पर उन्होंने जो है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने जो है इंडिया के फेवर में डिसीज़न लिया और जो पेटेंट था नीम पर यूएस के उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। टर्मरिक पेटेंट केस, हल्दी वाला केस जो हुआ था
पेटेंट से रिलेटेड वो, अ ट्रॉपिकल हर्ब ग्रोथ इन ईस्ट इंडिया पाउडर्ड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ इट्स फ्लावर हैड सेवरल पॉपुलर यूजेस वर्ल्ड वाइड। टर्मरिक पावर हैज़ अ डिस्टिंक्टिव डीप येलो कलर एंड द बीटर टेस्ट, यूज एज अ ड्राई कुकिंग इन्ग्रेडियंट एंड लिटमस इन अ केमिकल टेस्ट एंड हैज़ अ मेडिसिनल यूजेस। सो जो टर्मरिक है वो एक ट्रॉपिकल हर्ब है जो कि ईस्ट इंडिया में ग्रोथ होती है इसकी, और ये एक पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि बनता है फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ इट्स फ्लावर, और इसको वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। और इसमें एक येलो कलर होता है और इसका टेस्ट जो होता है काफ़ी बिटर होता है। इसको हम लोग एज अ डाई भी यूज़ करते हैं, कुकिंग इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करते हैं, लिटमस की तरह भी यूज़ करते हैं केमिकल टेस्ट में, और इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं। इन द मिड 1990s टर्मरिक बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ अ पेटेंट डिस्प्यूट। 1990 में के बीच में जो है, 1990s के मिड में जो है, टर्मरिक जो है एक पेटेंट डिस्प्यूट का केस बना। अ यूएस पेटेंट ऑन टर्मरिक वाज अवार्डेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर इन 1995 स्पेसिफिकली फॉर द यूज़ ऑफ टर्मरिक इन द वाउंड हीलिंग। सो यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर मेडिकल सेंटर को 1995 में टर्मरिक के लिए पेटेंट प्रोवाइड किया गया, और वो भी टर्मरिक का यूज़ करना वाउंड हीलिंग के लिए, जो घाव होता है उस पर टर्मरिक का यूज़ करना उसको सही करने के लिए, तो ये इस पर जो है उसको पेटेंट मिल गया। दिस पेटेंट ऑल्सो ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट टर्मरिक। सो 1995 में मिसिसिपी जो यूनिवर्सिटी थी मेडिकल सेंटर के लिए, उसको 1995 में टर्मरिक के लिए पेटेंट प्रोवाइड किया गया था। बट टू इयर्स लेटर अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च इन इंडिया वेयर टर्मरिक हैज़ बीन यूज मेडिसिनली फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। कंसर्न ग्रो अबाउट द इकोनॉमिकली एंड सोशली डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस लीगल बायोपायरेसी। CSIR argued that turmeric has been used for thousands of years for healing wounds and dresses, and therefore its medicinal use was not a novel invention. Their claim was supported by a documentary evidence of traditional knowledge, including the ancient Sanskrit times, and a peer published in 1953 in the Journal of the Indian Medical Association. United States Patent and the Trademark Office USPTO investigated the validity of the patent in 1997. Despite an appeal by the patent holder, the USPTO upheld the CSIR objection and cancelled the patent. The turmeric case was a landmark judgment case, as it was for the first time that a turmeric patent based on the traditional knowledge of a developing country was successfully challenged. सो 1995 में यूएस को टर्मरिक के लिए पेटेंट मिला था। फिर दो साल बाद जो है CSIR जो है उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन फाइल करते हैं एंड अपील किया जाता है CSIR के द्वारा कि टर्मरिक हमारे देश में कितने सालों से यूज़ होता आ रहा है, और उसका यूज़ हम लोग प्राचीन समय से हम लोग उसका यूज़ करते हैं घाव पे, और उसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो इसमें यूएस ने नया क्या खोजा है? कुछ भी नया नहीं है, जो चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं उसी को वो एक नई चीज़ दे करके पेटेंट लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो USPTO है वो जो है पेटेंट को कैंसिल करते हैं, एंड टर्मरिक केस का जो ऑपोजिशन फाइल हुआ था वो इंडिया के फेवर में डिसीजन आता है और पेटेंट कैंसिल होता है। ये फर्स्ट ऐसा केस था जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पे किसी चीज़ को पेटेंट लिया गया था, उसको सक्सेसफुली चैलेंज किया गया था इंडिया के द्वारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर्थ यूनिट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। Thank you so much.